हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अपने आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगी अपने गांव बेडरा और लोकर। स्टार्ट होता है हमारे गांव का सफर। ये देखिए, हमारे गांव का रास्ता प्यार करा। और ये हम गांव पहुंच गए हैं। अपने बच्चा पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, लेके जा रही है सारा सामान। और सबसे पहले हमें बैठी हुई दिखाई पड़ी है एक अम्मा। एक हमारे मामा जी का ये घर है, लेकिन इसमें अभी लगा है लॉक। ये घर 14 से 15 साल पहले बना था, ये नया घर है। और एक हमारा घर है नीचे गांव में, पुराना घर। तो अभी सारे लोग वहां पे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है। इधर कभी कभी आते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में नीचे जाएंगे अपने असली वाले घर में, आई मीन की पुराने प्यारे घर में। अब हम वहां से जा रहे हैं आगे अपने नीचे वाले घर पे। झंडा पकड़ के ना डॉगी कार देखा तो मेरे को भी गिरा देगा। यहाँ पे शेर भी रहता है इन जंगलों के अंदर, और रात में निकलता है। दिस इज फर्स्ट डे ऑफ अवर उत्तराखंड ट्रिप। ये है हमारे गांव के सीढ़ीदार खेत, और अभी कोई खेत में हल चला रहा है। पहाड़ों के खेतों में काम करना और कोई भी अनाज उगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। देखिए गाइस, ये है गांव के पुराने घर। पहले इस तरह के घर होते थे, और पत्थरों से इस तरह से स्टेयर्स बनाई जाती थी, और मकान कच्चे होते थे, आप देख सकते हैं। अब इस घर में कोई नहीं रहता है, लेकिन पहले ये यूज में था, अब इसको गोडाउन की तरह यूज करते हैं लोग। आजकल इस तरह के पक्के मकान बनते हैं गाँव में, और खिड़की दरवाजों को पेंट करने के लिए ज्यादातर घरों में ब्लू कलर का यूज होता है। अब आई डोंट नो कि वो ब्लू कलर क्यों यूज करते हैं, बट मे बी उनका फेवरेट कलर हो। पहाड़ों के घरों में आंगन बनाने के लिए पहाड़ों के पत्थरों को काट काट के इस तरह से पत्थर लाए जाते हैं, और ऐसे आंगन बनाया जाता है। आज हम गांव की एक पार्टी में आए हैं, और एक छोटी सी पार्टी चल रही है यहाँ पे गांव की। अगर गांव में किसी के घर में छोटा मोटा फंक्शन हो तो सारे गांव वाले मिलजुल के खुद ही काम करते हैं, जैसे लेडीज खाना बना रही हैं। भाई, पहाड़ की खुली खुली खाली खाली सड़कों पे मैं स्कूटी राइड का मजा लेना कैसे छोड़ सकती थी भला। और गाइस, ये हमारा फन टाइम, हमने अपने उत्तराखंड में बहुत मजे किए। उत्तराखंड है ही ऐसी जगह जहाँ पे आप आए, रिलैक्स करिए और जिंदगी का असली मजा लीजिए। दक्ष, दक्ष जीता। चावल है ना, तो नदी में जाने। आज हम जा रहे हैं अपने गांव की छोटी सी नदी, तो नहीं कहेंगे उधर, ऐसे जगह पे बच्चे, गांव के बच्चे नहाते हैं, मस्ती करते हैं।
तो गाइस ये एक छोटी सी झलक थी हमारे गांव की। उत्तराखंड अपने आप इतना प्यारा इतना ब्यूटीफुल है कि उसे किसी भी वीडियो में कैद करना इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा उत्तराखंड। तो मैं जरूर कहूंगी कि आप सब जाइए अपनी फैमिली के साथ और देखिए नेचर की सुंदरता। और अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बाय बाय।